बिहार में पहली बार लश्कर के आतंकियों ने अपनी धमक दिखाने की कोशिश की है। इमरान और नासिर ने क्या साजिश रची थी, इस रिपोर्ट में देखिए। दरभंगा रेल पार्सल केमिकल बम ब्लास्ट मामले का पाकिस्तान और ISI का कनेक्शन है, इसका खुलासा TV9 भारतवर्ष ने पहले ही किया था। अब हैदराबाद से पकड़े गए लश्कर के दो आतंकियों ने पूछताछ में बड़े खुलासे किए हैं। हालांकि इसके पहले बिहार में इंडियन मुजाहिदीन ही आतंकी घटनाओं को अंजाम देता रहा है, लेकिन पहली बार किसी आतंकी वारदात को लश्कर ने अपने पूरे लाव लश्कर के साथ अंजाम दिया है। यूपी के शामली निवासी और हैदराबाद के नामपल्ली में रहने वाले लश्कर के आतंकी भाइयों इमरान खान उर्फ इमरान मलिक और नासिर मलिक ने खुलासा किया है कि उनका मकसद सिकंदराबाद दरभंगा ट्रेन में ब्लास्ट और आग से बड़ी संख्या में जान माल की क्षति करना था। नासिर खान 2012 में पाकिस्तान गया था, जहां उसने लश्कर ए तैयबा के कैंप में उसने ट्रेनिंग ली थी और वहीं उसने लोकल केमिकल से खतरनाक विस्फोटक बनाना सीखा था। हैदराबाद में कपड़े का व्यापार करने वाले ये दोनों भाई पाकिस्तान में ISI और लश्कर के लगातार संपर्क में रहे हैं। अरी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।